क्वेश्चन नंबर सिक्स में वो कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन में उसको थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, उसने क्या एक्स की जगह पी रख लिया हमने, और ये हमारे पास हम इसको रख देते हैं वन के बराबर। हम कहते हैं कि वही चीज लिखते हैं कि एफ ऑफ पी जो होता है वो बराबर होता है पी प्लस वन ओवर पी, तो ये वन के बराबर है हमने लिखा हुआ। अब देखो उसने कहा नहीं, आपने इसको पी नहीं कह देना, आपने माइनस पी करना, तो क्या करेंगे हम भी ऐसे ही करेंगे, पी इक्वल टू माइनस पी, ठीक है जी। जब हमने p इक्वल टू माइनस पी लगाया तो ये इन वन पे लगाया तो हुआ क्या, f ऑफ माइनस पी बन गया क्योंकि p था, फिर p की जगह पे माइनस पी बन गया, फिर प्लस वन ओवर माइनस पी बन गया। अब ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये हो गया कि माइनस पी माइनस वन ओवर पी, दो आ जाता है p प्लस वन ओवर पी। हुआ क्या कि हमने क्या किया, हमने p को जो हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये इसको कंपेयर करें तो ये चीज सारी ये चीज नहीं है, तो इसका मतलब हम इधर लगा देते हैं, तो f ऑफ माइनस p इज इक्वल टू माइनस वाले माइनस नहीं आया साथ में लेकिन इसके बराबर है f ऑफ p, तो हमने आंसर प्रूव कर दिया जी, ठीक है। दूसरी बात वो कहता है कि दूसरी चीज ये आपने प्रूव कर दिया, तो वही लिखेंगे तो क्या हमारे पास है एफ ओ पी है इज इक्वल टू पी प्लस वन ओवर पी है, इसको हमने मान लिखा। पुट हमने क्या करना है, अब मुझे पी की जगह पे वन ओवर पी चाहिए, तो पी इज इक्वल टू वन पी लगाएंगे इन वन में, तो हमारे पास इस तरह का जवाब बनना चाहिए। तो क्या करें लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी इज इक्वल टू पी की जगह पे वन ओवर पी प्लस वन ओवर पी। अब आपको पता है कि बटे के बटे में जो चीज होती है वो बढ़ जाती है, तो क्या होगा कि एफ ऑफ वन ओवर पी इज इक्वल टू वन ओवर पी प्लस ये पी ऊपर। तो देखो अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो एफ इन टू वन ओवर पी इज इक्वल टू पी प्लस वन ओवर पी किया मैंने कुछ नहीं, इसको उधर उसको इधर, तो ये देखो वही चीज वही चीज, तो क्या बन गया जी एफ ऑफ वन ओवर पी असल में बराबर होता है एफ ऑफ पी के, तो ये भी हमने आंसर प्रूव कर दिया जी मिनटों में सेटअप हो गया।